नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है। नवरात्र के खत्म होने के बाद ही राजनीतिक सरगर्मियां यहां बढ़ गई है। ऐसे में हमारी टीम पहुंची यहां पर जानने लोगों का मूड। देखें इस खास रिपोर्ट को। विधानसभा उपचुनाव आपके यहां हो रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल है लालू प्रसाद जी के आने के और नीतीश कुमार जी तो भैये है। आई दोनों पार्टी में कौन पार्टी उठता है, कौन गिरता है, ये संभावना हम लोग नहीं बता सकेंगे साहब। आपके आपकी तरफ से क्या पसंद लगता है, कौन आने वाले? बहुत दिन हो गया लालू प्रसाद के, वो भी था शेर, वो आने से और अच्छा था। क्षेत्र के विकास पहले जो हुआ था वो होकर के रुक गया है, अभी उतना नहीं हो रहा है। लालू जी के टाइम ज्यादा विकास हुआ था नीतीश कुमार जी? लालू जी के टाइम में तो लालू जी दरिद्र था वो टाइम में, उनको पास में पैसे नहीं था, रास्ता घाट तो जो बदला हुआ है तब बना है। नीतीश के टाइम में लालू जी टाइम में पैसा नहीं था, लालू जी तो भिखारी था। अब ये पूंजीपति लालू जी को हुआ है, ये भी कहीं लालू जी के सप्ताह आ जाएगा तो देखिए क्या होता है। सत्ता में लग रहा है कि लालू जी आएंगे, आशा है आने को। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश यादव। विधानसभा उपचुनाव आपके क्षेत्र में हो रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो अमन हजारी के साथ है, क्योंकि ये देखिए केंद्र में देख के उनको वोट मिलते हैं, एनडीए के सपोर्ट में। उनके अगर अपने उनका चेहरा देख के तो नहीं मिलेगा वोट। उनके पिताजी भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मतलब वो तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनका बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन बता रहे तो वो लोग भी जीत के जाते थे केंद्र को देख के, लेकिन यहाँ पे आके कभी विकास नहीं, क्षेत्र में कभी विकास नहीं किया, नहीं कभी आए जीतने के बाद। ये वोट मांगने के लिए आते थे, वोट हो गया फिर गए, उसके बाद कभी नहीं आए, और उनको तो देख के वोट नहीं देंगे। युवा है आप, ऑप्शन तो तेजस्वी यादव भी है, युवा चेहरा हाँ। तेजस्वी यादव भी है, विकास का बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान युवा चेहरा है, तो क्या युवाओं का सहयोग युवाओं को नहीं मिलेगा? युवाओं को मिलेगा, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव भी ठीक थे हम लोग के लिए, लेकिन वो अभी इस लाइक नहीं हुए हैं, अभी उनको मतलब अभी वो मुख्यमंत्री लाइक नहीं, उनको अभी और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नहीं रह चुके हैं, तो इसका तो मिल गया उनको ना, उनके पास वो तो अपने इस पे नहीं, उनके पापा जी पे हुए हैं ना। क्षेत्र की कैंडिडेट की बात करें, हम क्षेत्र के कैंडिडेट एक अमन भूषण हजार ये हो गए हैं, और ये कांग्रेस से ये हो गए हैं अतिरेक कुमार हैं। इनका चांस था अगर जीतने का, दोनों अगर साथ में लड़ते तो, आरजेडी और अलग अलग लड़े, आरजेडी और कांग्रेस अगर लड़ते तो राजद से है, अगर दोनों लड़ते साथ में तो उनके था भी होने का कि हो जाता उनका ये सीट, लेकिन अब ये अलग अलग हो गया तो दोनों का वोट कट गया और अमन हजारी को डायरेक्ट वोट मिला है, तो अमन हजारी ही जीतेंगे, उनको देखे तो वोट नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम राजद के प्रचार करेंगे, तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के का प्रचार करेंगे, वो दोनों भाई का मैटर है। अब क्या लगता है, क्या होगा? तो होगा यही कि दोनों अलग अलग प्रचार करेंगे तो दोनों का वोट कट जाएगा, ये तीसरा निकल जाएगा, ये अमन हजारी फिर बन जाएंगे ये यहाँ के फिर से। मुझे क्या लगता है माहौल किसको लेके? माहौल तो एनडीए के साथ है, बस एनडीए अमन भूषण हजारी। मेरा नाम सुमन कुमार सेठ हुआ, लेकिन अमन भूषण हजारी से यही कहना चाहेंगे, आप अगर जिता रहे हम लोग आपको मिलके, तो आप मतलब आपके पापा ध्यान दिए ना दिए कोई मतलब नहीं रखता है, आप युवा है तो आप आके हमारे क्षेत्र को थोड़ा विकास कीजिए बस। विधानसभा उपचुनाव आपके क्षेत्र में हो रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल है? इस बार राजद जीतेगा। कौन कैंडिडेट है राजद? गणेश भारती। कांग्रेस से भी कैंडिडेट खड़ा है इस बार, कांग्रेस राजद पहली बार चुनाव लड़ रहा है, क्या लगता है कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा हो जाने से कोई फर्क पड़ेगा राजद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजद। अच्छा एक बात बताइए, राजद का प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव जी, और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कांग्रेस समर्थित जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनका प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है राजद को? राजद का मजबूत स्तंभ कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप जो आ रहे हैं कांग्रेस का प्रचार कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई आधार नहीं है, यहाँ राजद का आधार है, राजद नहीं आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट राजद के साथ जी। तो वर्तमान सरकार के कामकाज में क्या क्या बहुत खामियां है, क्या किया नीतीश कुमार ने? बिहार में शराबबंदी कर दिया, घर घर शराब मिल रहा है, क्या किया? उससे तो सरकार का ही नुकसान है, इसलिए नीतीश को जाना ही तय है, राजद का ही सरकार आएगा। क्या नाम है आपका? विजय महतो। चुनाव अहाँ भए रहा की लागे की माहौल? माहौल तो लगि रहा जे
तीर छाप के जे या भूषण हजारी के लड़का बहुत महत्व से जीतत किया ओकर सब सरकार छे एकर जे छे मुकेश सोनी सब जते छे और जनता सब चाहि रहल या जे एकरा माय बाप मरि गेले है ओकरा सरकार बनाबी बहुत भोट से एकरा बनाबी ओकरा भोट भए रहल या जहाँ ओकर माय बाप मरि गेले तहाँ पर भोट भए रहल आ बहुत भोट से ओ जीतत। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हाँ हाँ हमरा मालूम यह लाभ मिले लाभ तो बहुत मिले हाँ दाना दे छे चौहदरिया दिलके हाँ और वृद्धा पेंशन की उम्र नहीं भले अखन वृद्धा पेंशन नहीं मिलते लाभ मिले हाँ। केंद्र में भाजपा के सरकार छे नरेंद्र मोदी के सरकार छे की लागे काम कर लखें काम तो कइये रहल छे आ काम करबे करते मगर आप सरकार में मान लिये कनी महंगा बढ़ले बढ़ले जना के अल्लू के बढ़ले हो तेल के बढ़ले हो तो सरकार आब इलेक्शन के बाद तो कम करबे नहीं करते जनता के चुनाव में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है राजद भी चुनाव लड़ रहा है भाजपा भी कैंडिडेट दल की लागे ककरा लोग ज्यादा पसंद ज्यादा तक अहाँ के एक पसंद करिए उनके जे खड़ा ये भूषण हजारी के लड़का हाँ हाँ ओकरे कह रहा है जनता से ओकरा वोट देवे या अगर माय बाप मरि गेले हाँ बेचारा काम करते नया उम्र के छे काम करते। हमार नाम मोहम्मद अली हुसैन। जो टीम हमारी क्षेत्र में जा रही खुल के दो ही एक ही बात सामने आ रहा है कि मेन जो यहाँ पर दिख रहा है टक्कर वो जदयू और आरजेडी में है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में है लोजपा से भी मैदान में है पप्पू यादव की पार्टी के लोग भी मैदान में हैं लेकिन लोग खुलकर अभी दो ही पार्टियों का नाम ले रहे हैं जदयू और राजद। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन होंगे कुशेश्वर राजस्थान के विधायक। खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे हमारे इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लें।